हेलो फ्रेंड्स, जब भी हमें कोई एयर कंडीशनर या रेफ्रिजरेटर रिपेयर करना होता है तो हमें अलग अलग तरह की ब्रेजिंग करनी पड़ती है, जैसे कॉपर की ट्यूब को कॉपर के साथ में जोड़ना, कॉपर की ट्यूब को एल्युमिनियम के साथ में जोड़ना, एल्युमिनियम के कंडेंसर जो पैरेलल फ्लो कंडेंसर होते हैं जिसको आप एल्युमिनियम कंडेंसर बोलते हैं, उनमें लीकेज हो जाती है उसको रिपेयर करना, और कई बार हमें इवेपोरेटर के अंदर कैपिलरी जो कि एल्युमिनियम कॉपर का जॉइंट होता है वो लगाना पड़ता है, और वो जॉइंट लगाने में हमें बहुत दिक्कत होती है क्योंकि हम कॉपर कॉपर का जॉइंट तो बड़ी आसानी से लगा लेते हैं। तो आज हम देखेंगे कि अगर हमें एल्युमिनियम कॉपर का जॉइंट लगाना हो या एल्युमिनियम एल्युमिनियम का जॉइंट लगाना हो तो हम उसको कैसे लगा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये काम हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम इन तीनों तरह के जॉइंट्स को कैसे लगा सकते हैं, चाहे वो एल्युमिनियम कॉपर का जॉइंट हो, चाहे एल्युमिनियम एल्युमिनियम का हो, चाहे वो कैपिलरी वाला जॉइंट हो। इन जॉइंट्स को लगाने के लिए हमें ट्यूब्स के एंड को एमरी क्लॉथ से अच्छे से साफ कर लेना है ताकि जॉइंट अच्छे से लग सके। और ये जो ब्रेजिंग रॉड है, ये स्पेशल ब्रेजिंग रॉड होती है और इसको हम किसी भी स्पेयर पार्ट डीलर से खरीद सकते हैं। ये एल्युमिनियम एल्युमिनियम के जॉइंट में भी काम आती है और एल्युमिनियम कॉपर के जॉइंट में भी काम आती है। फ्लक्स इसी रॉड के अंदर भरा होता है इसलिए हमें अलग से फ्लक्स लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो पहले हम देखते हैं कि हम एल्युमिनियम कॉपर का जॉइंट कैसे लगाएं। इसके लिए हम जो हमारी ब्यूटेन टॉर्च, आजकल जो हैंड हेल्ड टॉर्च आती है, उससे हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। टॉर्च को हम मीडियम फ्लेम पे जलाएंगे और ज़्यादा हीट जो है वो हम कॉपर को देंगे क्योंकि कॉपर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है और एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इसलिए हम एल्युमिनियम वाली ट्यूब को कम गर्म करेंगे। अब हम रॉड को कॉपर वाली ट्यूब पे लगाकर मेल्ट करेंगे और ये रॉड जब इसमें फ्लक्स ट्यूब के कांटेक्ट में आता है तो ये रॉड एकदम मेल्ट होकर जॉइंट के अंदर बैठ जाता है। और देखिए ये अभी कितनी आसानी से ये रॉड जो है वो दोनों ट्यूब में लग गया है और इमीडिएटली हम फ्लेम को हटा लेंगे और जॉइंट को ठंडा होने देंगे। अब हम एल्युमिनियम एल्युमिनियम का अगर हमें जॉइंट लगाना है तो ठीक उसी प्रकार हम ब्यूटेन टॉर्च को जलाएंगे और मीडियम फ्लेम पर रखकर, क्योंकि अभी इन दोनों ट्यूब का मेल्टिंग पॉइंट सेम है जो कि अराउंड 400 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको हम बहुत ज़्यादा हीट अप नहीं करेंगे और पूरे जॉइंट के ऊपर हम फ्लेम को आगे पीछे करके टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे। और देखिए ये रॉड कितनी आसानी से मेल्ट होकर दोनों ट्यूब के अंदर बह गया है और जॉइंट लग गया है। और यदि हमें कई बार जो इवेपोरेटर के साथ में जब कैपिलरी जोड़नी होती है तो कैपिलरी भी हम इसी तरह उसके अंदर फर्म ग्रिप बना लेंगे पहले, और इसको भी हम ब्यूटेन टॉर्च से, क्योंकि ब्यूटेन टॉर्च का टेम्परेचर हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इसलिए इसको भी हम पहले कैपिलरी को ज़्यादा गर्म करेंगे और जब कैपिलरी ज़्यादा गर्म हो जाए, रेड हॉट होने लगे, तो इसके ऊपर हम ब्रेजिंग रॉड को मेल्ट कर एल्युमिनियम की ट्यूब को गर्म करके उसके अंदर तक उसको बहने देंगे। इस तरह हम ये तीनों तरह के जॉइंट जो है बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। तो आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से ये तीनों तरह के जॉइंट लगा लिए। पैरेलल फ्लो वाले कंडेंसर को भी हम इसी तरह रिपेयर कर सकते हैं जैसे हमने एल्युमिनियम को जॉइंट लगाया। तो दोस्तों आपने देखा कि हम कितनी आसानी से, चाहे वो एल्युमिनियम कॉपर का जॉइंट हो या एल्युमिनियम एल्युमिनियम का जॉइंट हो,
उसको हम कितनी आसानी से लगा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।